हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल गेमिंग व्लॉग्स निखिल। तो गाइस, आज हम आए हैं एक्स्ट्रो गेम गैजेट में, जो कि आपको शॉप पीछे दिखाई दे रही होगी। और ये शॉप कहाँ है आपको मैं बता दूँ, ये शॉप गुड़गांव के अंदर है। तो मैं पूरा प्रॉपर एड्रेस दे दूँगा। तो पहले मैं आपको बता दूँ कि आज हम आपको क्या क्या दिखाने वाले हैं। आज हम आपको दिखाने वाले हैं PS2 से लेके PS4 लेकर और PS5 के बारे में कुछ बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरी देखें, एंड तक देखें। और अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा आपने, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लें, क्योंकि जो भी आप क्वेश्चन होते हैं, डाउट होते हैं, मैं उनके बारे में इंक्वायरी देता रहता हूँ। तो जल्दी जाएं, पहले मुझे फॉलो कर रहे हैं और फिर उसके बाद ये वीडियो देखें। तो पहले जो भी आपको करना है आप वो पहले कर सकते हैं, आप वीडियो भी देख सकते हैं पहले। तो चलिए फिर अंदर चलते हैं और फिर कुछ बात करते हैं PS2 से लेके PS4 के बारे में, पूरी जो भी डिटेल भैया कौन से कंसोल में डील करते हैं उसके बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं अंदर। गाइस, ये आप शॉप देख सकते हैं एक्स्ट्रो गेम गैजेट बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। और ये रहा, यहाँ पे आप एंटर यहाँ से होंगे, तो हम एंटर होते हैं। तो जब आप शॉप के अंदर एंटर होगे तो कुछ आपको इंटरफेस ऐसा दिखेगा। तो ये रे भैया, हेलो भैया, कैसे हो आप? बस बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? बहुत बढ़िया भैया। तो भैया, पहले हमारे जो व्यूअर्स हैं आप उनको अपना नाम बताइए पहले। नहीं, मेरा नाम है अभिमन्यु यादव। ओके भैया, मेरी जो शॉप है उसका नाम है एक्स्ट्रो गेम्स एंड गैजेट्स, ये गुड़गांव के गलेरिया मार्केट में है। ओके भैया, लोगों को पता ही होगा, एक वेल नोन प्लेस है ये। एक और स्टोर है वो हमारा एमबीएस मॉल गुड़गांव में है। ओके भैया, हाँ जी। तो गाइज, मैं आपको एड्रेस भी दे दूंगा पूरा प्रॉपर। तो चलिए पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं और कौन से कंसोल आप दिखाने वाले हैं तो उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि आपको एक्सबॉक्स सीरीज एक्स दिखाई दे रहा है और ये रहा एक्सबॉक्स सीरीज एस, तो इनके बारे में बात करते हैं। और ये आपको दिखाई दे रहा है निंटेंडो स्विच। तो भैया, जैसे मेरे को पता है कि इनके अंदर क्या क्या डिफरेंट है, आप एक बार ही बताइए कि सीरीज एक्स में और एस में क्या डिफरेंट है। जो सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस ये है कि आप देखोगे 120 FPS और 4K पे ये चलेगा। हाँ जी। दूसरा, इसके अंदर जो है वो आप डिस्क भी चला सकते हो। अच्छा, डिस्क और डिजिटल ये दोनों है। अच्छा। अगर हम सीरीज एस की बात करते हैं तो ये सिर्फ 120 FPS है, ये 4K नहीं है। ओके, ओके। सबसे पहली बात। दूसरा, SSD का फर्क है, ये 512 GB है, वो 1 TB है। अच्छा। और इसके अंदर आप डिस्क नहीं चला सकते, इसमें सिर्फ आप डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एस है वो डिजिटल एडिशन है और ये जो एक्स है ये डिस्क वाला वेरिएंट है। तो ये भैया ने भी बता दिया। तो भैया, ये जो एस है इसका क्या प्राइस बताया आपने? इसका प्राइस बताइए। 35,000 का है। 35,990 MRP है, तो राउंड ऑफ करके 35 बोल रहे हैं। ओके। और ये 49,990 है, तो राउंड ऑफ करके 50,000 का। शिपिंग चार्जेस एक्स्ट्रा होंगे इस पर। ओके, ओके। इस पे मैं अभी थोड़े लास्ट में आऊँगा, क्योंकि मुझे और भी कंसोल दिखाने हैं। तो मैं कोरियर के बारे में, शिपिंग के बारे में ये थोड़ा अभी लास्ट में पता करूँगा, ठीक है भैया? तो भैया, आप मेरे को ये जो निंटेंडो स्विच है जो कि बहुत डिमांड में रहता है, ये भी इसके बारे में बताइए आप एक बारी। जैसे निंटेंडो स्विच में आप देख सकते हो ये फ्रंट में एक डॉक है, ये इसके जॉयकॉन्स बोलते हैं इनको, जॉयकॉन्स कनेक्टर हैं। मैं थोड़ा साइड से ब्रीफ करता हूँ। हाँ, अगर इसको देखोगे ये पोर्टेबल भी है। हाँ जी, हाँ। दो रिमोट आप इसको बना सकते हो। हाँ जी, स्क्रीन भी डिटेचेबल, आप स्क्रीन को साइड में रख के दो लोग खेल सकते हो। ओके। कंट्रोलर भी बन जाता है। और इसके अलावा इसको आप मोशन सेंसर जो होता है, अच्छा जी, इसको मोशन सेंसर भी खेल सकते हैं जी। अब सपोज आपको यही कंसोल टीवी से कनेक्ट करना है, हाँ जी, तो ये इसका डॉक है, ये यहाँ फिट हो जाता है, बहुत इजीली लग जाता है, तो आप बड़ी स्क्रीन पर भी खेल सकते हो। ओके, मतलब आप, ये होता है कई बार आप ट्रेवल करते हैं तो आप PS4 तो ले जा नहीं सकते हो, नहीं जी, नहीं, नहीं सर, तो इसको आप साथ में भी ले जा सकते हो। अच्छा। तो कहीं भी फ्लाइट में हो या कहीं भी हो तो आराम से खेल सकते हो। मतलब कि होटल वगैरह में जो भी LED लगी होती है तो हम वहाँ पे उसको कनेक्ट करके एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर LED नहीं भी है तो इनबिल्ट स्क्रीन है, आप वैसे खेल सकते हो। अच्छा, ठीक है सर जी। अच्छा, तो सर इसका क्या प्राइस रहने वाला भी है, इसका बताइए सर। 32,000 है अभी का जो प्राइस है। प्राइस के भी अप डाउन होते रहते हैं, अप डाउन होते रहते हैं, जब भी फोन कोई करेगा तो बता देंगे उनको जो भी प्राइस। ओके, ओके। तो गाइस, इसके इसका भी प्राइस बता दिया भैया ने, और इसके जो भी डिस्क वगैरह और एक्स की भी जो भी डिस्क वगैरह होगी उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा, वो पार्ट 2 में मैं उसको कवर करूंगा। तो पहले हम जो निंटेंडो स्विच लाइट है इसके बारे में बात कर लेते हैं। भैया, इसका क्या प्राइस होने वाला है, इसके बारे में बताइए। 19,000 का है अभी। 19,000 का। ये जो है इसका एक रेड कलर है। ओके, ठीक है, कोरल रेड इसको बोलते हैं। ओके। इसके अलावा इसमें और 4-5 कलर आते हैं।
कलर के हिसाब से प्राइस ऊपर नीचे होते हैं। ओके हाँ, कोई फिक्स प्राइस नहीं होता क्योंकि उसका रीजन है निंटेंडो जो है वो ऑफिशियली इंडिया में नहीं आता है। हाँ जी भैया, सीरीज एक्स और एस, PS4, PS5 ये सब आते हैं। हाँ हाँ, ये ऑफिशियल लॉन्च होते हैं। तो इसकी कोई वारंटी भी नहीं होती है, पर अच्छा। हम तरफ से जो भी कुछ सपोर्ट होता है कस्टमर के लिए वारंटी को लेकर वो भी हम उसको देते हैं। ओके भैया, ओके ओके। तो भैया मेरे को ना अभी मतलब PS4 नहीं दिखाई दे रहा। हाँ। जैसे ये बॉक्स के अंदर न्यू में जैसे एक्स सीरीज और एस दिखाई दे रहा है। हाँ। बट मेरे को PS4 नहीं दिखाई दे रहा। तो PS4 और PS5 की इतनी यूज डिमांड है ना कि वो शॉर्ट चल रहे हैं। अच्छा जी, शॉर्ट चल रहे हैं। PS4 की शॉर्टेज इसलिए हो गई है क्योंकि कंपनी के पास जितनी डिमांड है वो बना ही नहीं पा रही है। अच्छा जी, अगर आप देखो तो चिप जो बनाती है रेडॉन है या AMD है, उनके पास इतना वर्कलोड है वो चिप नहीं बना पा रहे, उसके लिए वो कंपनी सोनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पा रही है। अच्छा जी, तो इसलिए शॉर्टेज चल रही है थोड़ी PS4। बहुत ज्यादा शॉर्टेज चल रही है इस समय। मतलब पीसेज आते हैं तो वो 2-3 यूनिट आते हैं, वो हाथों हाथ बिक जाते हैं। अच्छा। मतलब वो स्टोर में आते हैं शाम तक खत्म हो जाते हैं, ऑलरेडी इतने कस्टमर से नंबर दिए होते हैं। अच्छा, जैसे एक बार भैया ये बता दीजिए, जैसे कि हमारे कोई सब्सक्राइबर या व्यूअर्स होंगे उन्हें PS4 चाहिए न्यू वाला, जो न्यू बंडल आ रहा है मेगा पैक वाला, तो वो कितने तक का पड़ जाएगा और उसमें कौन सी गेम उनको मिलेगी और कितना सब्सक्रिप्शन मिलेगा ये बता दीजिए। PS4 मेगा पैक का जो अभी प्राइस है वो है 29,990। ओके, अभी वो MRP पे ही चल रहा है क्योंकि डिमांड इतनी ज्यादा है। ओके, उसमें जो मिलेगा उनको एक रैचेट एंड क्लैंक गेम मिलेगा, एक ग्रैंड टूरिस्मो और एक अभी नया गेम ऐड हुआ होराइजन जीरो डॉन और 3 मंथ्स की PSN प्लस की मेंबरशिप। ओके जी भैया, तो ये तीनों चीजें होगी उसके साथ में। ऑफिशियली 1 ईयर सोनी इंडिया की वारंटी मिलेगी। अच्छा जी, वो आप कहीं भी ऑल ओवर इंडिया उसको क्लेम कर सकते हो। हमारा इनवॉइस आपको मिलेगा प्रॉपर GST का सीरियल नंबर के साथ, तो आपको ऐसा नहीं कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप वारंटी के लिए जाते हो तो कोई आपको मना करेगा, आप कहीं भी यूज कर सकते हो उसको। और दूसरा, उसके अंदर आपको एक कंट्रोलर मिलेगा, उसकी चार्जिंग केबल, HDMI केबल और पावर केबल मिलेगी जो आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस ये देख सकते हैं आप, अभी भैया के पास PS4 है नहीं, जैसे कि शॉर्टेज चल रहा है, भैया ने पूरा बता दिया डिटेल के अंदर। तो अगर आप जब भी वीडियो देख रहे हैं तो आप एक बार कॉन्टैक्ट करके पूछे भैया से कि भैया PS4 मुझे लेना है, शायद आपके लिए वो अवेलेबल हो जाए। और शायद एक करेक्शन और करना चाहूंगा। ओके, बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिनको अपनी नॉलेज नहीं है। हाँ जी, वो लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पर सर्च करते हैं। हाँ जी, अलग अलग बंडल दिखाते हैं, किसी को GTA 5 वाला मेगा पैक दिखता है, किसी को 2 कंट्रोलर वाला दिखता है, तो वहाँ पर वो जाते हैं और उसकी डिमांड करते हैं, उसका प्राइस वो 28 दिखा रहा होता है वहाँ पे। तो फ्रेंड्स, वो क्या होता है कि वो बंडल बहुत पहले आए होते हैं। हाँ, वो डिसकंटिन्यू हो जाते हैं। अब आप सोचते हो कि अभी भी अवेलेबल है, तो वो नहीं मिलता है। तो जो लेटेस्ट बंडल मैंने आपको बताया अभी मार्केट में वही चल रहा है, हो सकता है 6 महीने बाद, 3 महीने बाद वो चेंज हो जाए। तो उसके लिए आप ऑफिशियली हमारे पास कॉन्टेक्ट कर सकते हो पूछने के लिए अभी लेटेस्ट कौन सा चल रहा है। पुराना कोई बंडल अवेलेबल नहीं है, जितनी भी साइट्स हैं वो प्रोडक्ट डाल के उसको छोड़ देती है, उस पर एडिट करना या उसको रिमूव करना फिर भूल जाती है। आई मैं समझ सकता हूँ कि इतना वर्कलोड उनके पास भी होता होगा, लेकिन आप भी थोड़ा सर्च करें किसी फ्रॉड में या किसी उसमें नहीं फंस जाए कि मैं ये अवेलेबल करा दूंगा। आप अच्छे से सर्च करें, आपके नियर बाय भी अगर शॉप है तो उस पर भी जाके देखें कि कौन सा बंडल अवेलेबल है। आप किसी को ऐसे ही किसी साइट पर जाके, या बहुत सारे लोग सेकेंड हैंड प्रोडक्ट जो बेचते हैं उन साइट पर जाके पैसे दे देते हैं और फिर उनको प्रोडक्ट नहीं मिलता है, तो हाँ, फ्रॉड हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है ये। ऐसा क्योंकि मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, ऐसा हो चुका है लोगों के साथ, इसलिए मैं आपको आप लोग को अवेयर कर रहा हूँ। अच्छा। तो ऑनलाइन चीजें आप परचेज करो या देखो, लेकिन थोड़ा सा ब्रेन यूज करो अपना। तो गाइस देखिए भैया आपके लिए कितना सोच रहे हैं कि आपके साथ कुछ फ्रॉड ना हो, इतना डिटेल में बता रहे हैं। तो भैया एक बार आप मेरे को ये बता दीजिए कि इस वर्क में आप कितने साल से हैं, एक बार मैं अपने माइंड के लिए पूछना चाहता हूँ आपसे। टोटल बात करूं तो मैं 2010 से इस लाइन में हूं। पहले अच्छा। मैं सोनी के लिए ही काम करता था। अच्छा जी। उसके बाद मैंने 2014 में अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। अच्छा जी, तो आप समझ सकते हो 11 साल अप्रोक्स इस लाइन में हो चुके हैं मुझे। अच्छा जी, अच्छा जी। और भैया हम क्या ये ऑथराइज्ड डीलर है? हाँ, हम सोनी के ऑथराइज्ड डीलर है। अच्छा जी, सोनी अपने सारे जो उसके ऑथराइज्ड डीलर्स होते हैं उनके कोड्स होते हैं, उनका नाम उनके पास रजिस्टर्ड होता है। तो आप कोई भी प्रोडक्ट जब ऑथराइज्ड डीलर से खरीदते हैं, आप बिल लेके जाते हैं तो चेक करते हैं हमारे साथ ऑथराइज है या नहीं है, तभी आपको वारंटी और सारी चीजें। तो गाइस देख लीजिए भैया एकदम ऑथराइज डीलर है, पूरा प्रॉपर जो भी आपको मिलेगा वो बिल के साथ पूरा इनवॉइस आपको मिलेगा। और जो मैंने आपसे निकलवाए हैं PS2 से लेके PS4 और Xbox 360 और Xbox One, तो इसके बारे में हम यहाँ पे अब बात करते हैं। तो सबसे पहले आप मेरे को बताइए, मैं PS2 से स्टार्ट करना चाहता हूँ कि अगर किसी को PS2 चाहिए
तो वो ये प्री ओन में है ना वैसे अभी? हाँ जी। अच्छा, तो ये भी प्री ओन में जैसे PS2 चाहिए तो ये हमको कितने तक का मिलेगा? ये PS2 3000 रुपए का है। 3000 रुपए का। जेल ब्रेक या इसमें कोई भी गेम लोड करके नहीं मिलेगा। अच्छा भैया, क्योंकि इसमें मतलब हमारे पास ओरिजिनल CDs होती है, मतलब लेकिन आप इसको लेकर अपने नियर बाय शॉप अगर कोई जेल ब्रेक करता है या कोई और पर्सन है आप उससे करवा सकते हो। अच्छा, ये नॉन जेल ब्रेक है, ये 3000 रुपए का आपको मिलेगा एक रिमोट के साथ में और जो भी केबल्स इसकी आती है, और इस पर एक महीने की वारंटी आपको। एक महीने की वारंटी दिखाना भैया। तो गाइज ये देख सकते हैं आप, आपको PS2 मिल जाएगा। ये डिस वाला वेरिएंट है, ये आपको मतलब जो जेल ब्रेक होता है इसके अंदर मैट्रिक्स वाला, वो इसको इसके अंदर आपको करके नहीं मिलेगा क्योंकि भैया जेल ब्रेक करके नहीं देते। ठीक है, ये आपको 3000 रुपये मिल जाएगा। तो भैया अब हम आते हैं PS3 सुपर स्लिम। तो भैया ये जो PS3 है सुपर स्लिम, इसके बारे में बताइए कि ये कितने तक का मिलेगा, और ये डिस वाला वेरिएंट है ये भी? ये डिस वाला वेरिएंट है, यहाँ पे इसमें डिस लगती है। हाँ जी भैया, मैं एक चीज और बताता हूँ, जो PS3 है वो इजीली जेल ब्रेक हो जाता है। हाँ जी, मैं गेम लोड करके दे सकता हूँ। अच्छा जी, इसमें सॉफ्टवेयर के थ्रू हम करते हैं, कोई चिप नहीं लगाते हैं। अच्छा, तो आपने गेम की लिस्ट आप हम आपको बता देंगे, आप अपनी लिस्ट बता दो, उस हिसाब से इसमें गेम लोड हो जाते हैं। अच्छा, ये आपको 500 GB में मिलेगा। 500 GB वेरिएंट है, 13000 चल रहा है। अच्छा जी, ठीक है। और इसमें आपको एक रिमोट मिलेगा वायरलेस HDMI केबल, अगर आपके पास नॉर्मल TV है तो उस AVA केबल आपको दे देंगे, और पावर केबल और रिमोट का चार्जिंग केबल। ओके भैया, इसके ऊपर आपको 3 महीने की वारंटी मिलती है। 3 महीने की वारंटी? हाँ, वारंटी के लिए जब आप शिपिंग का और सारी चीजें पूछोगे तो मैं वारंटी किस तरीके से आप क्लेम करते हो वो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। ओके भैया, ओके। अब ये भैया जो स्लिम वाला मॉडल आता है जो कि बहुत डिमांड में रहता है, आज तक भी ये बहुत डिमांड में रहता है, तो इसके बारे में बताइए कि ये कितने तक का मिलेगा, और ये डिस वाला वेरिएंट है या ये डिस है? बट डिस PS3 में कोई लेता नहीं है आजकल, सब गेम लोड करा के आजकल लोड करा के, बजट गेमिंग में यही है। ये अभी 12000 का है, इस समय का प्राइस है, अब भी हो सकता है डाउन भी हो सकता है। अच्छा, ये 12000 का है, ये 320 GB का होगा, इसमें अप्रोक्स आपके 15 तक गेम आ जाते हैं। अच्छा, इसमें भी वही 3 महीने की वारंटी है, नॉन रिपेयरेबल सेट होगा, कोई रिपेयरिंग नहीं होगी उसके अंदर। ओके भैया, और आपको उसमें 15 गेम लोड करके मिलेंगे, एक रिमोट और वही जो केबल्स आती है इसके साथ में, सारे HDMI या AVI जो भी डिपेंड करता है कि वो कौन सा वाले टीवी में प्ले यूज कर रहे हैं। ओके, और भैया ये जो PS4 है, PS4 स्लिम वाला, इसकी बहुत डिमांड है, मेरे पास स्टॉक बहुत कम बचा हुआ है। ओके भैया, आपके वीडियो के लिए जो कुछ पीसेस दे, मैं अभी ऑनेस्टली बताऊं तो मैं बाहर नहीं भेज रहा हूं सेट्स। अच्छा जी, बट आपके वीडियो के लिए मैंने कहा चलो ठीक है, आप फर्स्ट टाइम हमारी शॉप पर आए हो तो कुछ स्पेशल आपके लिए करना है। ओके भैया, थैंक यू भैया, पहले तो आपको। ये PS4 स्लिम है। ओके भैया, 500 GB का वेरिएंट है, अभी इसका प्राइस देखो दोस्तों बहुत हाई चल रहा है, ये आपको तकरीबन 17-17.5 हज़ार तक का पड़ेगा। अच्छा, इसमें भी एक रिमोट और जो केबल्स इसकी आती है सारी, इस पर भी 3 महीने की वारंटी आपको मिलेगी। फ्रेंड्स, हम इसको जेल ब्रेक बिल्कुल नहीं करते हैं। अच्छा, क्योंकि ये अभी कंटिन्यू रनिंग मॉडल है, अगर मैं इसको जेल ब्रेक करूंगा तो मेरा ऑथराइजेशन खत्म हो जाएगा सोनी। हाँ जी, ये तो है, तो मैं इसमें कोई जेल ब्रेक या गेम डाल के नहीं दूंगा, मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ। अच्छा, तो भाई इसके लिए बिल्कुल मैं बोला कि गेम कितने लोड करते हैं भाई, आप अपने रिस्क पर जो चाहे वो करवा लो, बट मैं नहीं डाल के दूंगा। ठीक है, तो गाइज आप अदर मार्केट से जेल ब्रेक करवा सकते हैं भैया से लेके, बट भैया जेल ब्रेक करके नहीं देंगे। पीस जो है वो बिल्कुल सील्ड है, नॉन रिपेयरेबल है, ये इसका ऑफिशियल सील होता है। हाँ जी, हाँ, तो ये नॉन रिपेयर्ड सेट है। अच्छा, ठीक है, ये डिस्क में ही आता है PS4 सिर्फ। अच्छा, हाँ, इसका कोई डिजिटल वर्जन नहीं है। अच्छा, आपको कितना GB वेरिएंट है भैया वैसे? 500 GB भी मिल जाता है। अच्छा, उसमें फिर प्राइस तभी डिपेंड करता है। ओके भैया, अब भैया ये ना स्टॉक नहीं आ रहा है, बहुत शॉर्ट है, सेकंड हैंड भी नहीं आ रहा है, लॉकडाउन में कोई अपना PS बेचना भी नहीं चाहता है, या तो वो जब कोई PS5 खरीदता है तब हमारे को बेच के जाता है कि भैया मेरे को चेंज करना है, तो मैं इसलिए आपको दे रहा हूं। अच्छा, ये फैट मॉडल है, इसका ये पहले इसका प्राइस कम था बट अभी इसका प्राइस भी हाई हो गया। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, मेरे को भी पता है कि हाई प्राइस क्यों हो गया इसका। ये अप्रोक्स 15 से 15.5 हज़ार तक की रेंज में मिलेगा। अच्छा जी, उससे ज्यादा भी हो सकता है। अच्छा, अगर आप 1 TB लोगे या उससे ज्यादा लोगे, ये 500 GB का रेट में, मतलब डिपेंड करता है कि आप कितने GB वाला वेरिएंट ले रहे हो, 1 TB या 500 GB। और ये स्टॉक अवेलेबिलिटी का बड़ा प्रॉब्लम है, अगर स्टॉक में होगा तो मैं आपको यस कर दूंगा, फिर से वही बात की गेम लोड करके नहीं दूंगा, जेल ब्रेक नहीं करते इसको। ओके भैया, ठीक है, ठीक है। ये इससे अगला वेरिएंट है, ये प्रो, ये PS4 प्रो है। अच्छा, ये अभी मेरे पास अवेलेबल है, 2 यूनिट मेरे पास अवेलेबल है, अभी मैं इसका प्राइस नहीं बताऊंगा, आप जब फोन करोगे मैं इसका प्राइस तभी बताऊंगा।
ये 1 TB में आता है। अच्छा जी भैया, इसके साथ भी एक कंट्रोलर वायरलेस, सारी इसकी जो भी केबल्स आते हैं वो सब हम आपको देंगे। अच्छा, और भैया जैसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि वैसे मैंने सुना है कि ये डिसकंटिन्यू हो गए, मतलब न्यू अब आना बंद हो गए। अच्छा, तो जैसे न्यू किसी को आउट ऑफ कंट्री का जी, तो मिल सकता है वैसे कोई न्यू लेना चाहे तो? वैसे न्यू तो आप नहीं दे सकते? अच्छा चलो ठीक है, नहीं करता रे। ओके, मतलब प्री ओन्ड मिल सकते हैं, प्री ओन्ड में मिल जाएगा। अच्छा जी, जो चीज जेन्युइन होगी, जो चीज कस्टमर के लिए ठीक होगी, मैं वही सजेस्ट करूंगा। अच्छा जी, अब वो बोलेंगे मैं रेस तो करा दूंगा लेकिन कल प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए मैं उन चीजों में नहीं जाता हूँ। अच्छा अच्छा, जो खराब हो जाए वो परेशान होंगे। चलो ठीक है, इस पर वारंटी वगैरह सब प्रोवाइड कराते हैं। तो गाइस, जैसे आपने मेरे को बोला था कि किसी शॉप से आप पूछना कि वो न्यू मतलब अवेलेबिलिटी करवा देंगे प्रियो उसके PS4 प्रो की, तो मैंने पता कर लिया, भैया मना कर रहे हैं। मैं भी एक चीज़ बता देता हूँ। अच्छा जी, जो न्यू जैसा आपके कस्टमर्स पूछ रहे हैं, आपके व्यूअर्स पूछ रहे हैं, वो न्यू नहीं होता है। अच्छा जी, न्यू कंपनी ने उसको बनाना बंद कर दिया। हाँ, डिसकंटिन्यू तो हो गया। आपको ये सेट दिखाया। हाँ जी, उसमें क्या होता है, इसी बोर्ड इसी की ऊपर की बॉडी बदल गई है, क्रोन बॉक्स भी बन जाते हैं, उसके अंदर डाल के आपको नया बता के पुराना सेट दे देते हैं। अच्छा जी, वो नया नहीं, क्योंकि उसकी वारंटी वैसे भी नहीं है, तो आप उसी चीज के लिए है ना करीबन 10-15 हज़ार एक्स्ट्रा देते हो, वो सेकंड हैंड ही होता है। जब सोनी, आप गूगल पे चेक करो, सोनी ने ऑथराइज उसको ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है, तो मैं और तकरीबन 1 साल हो चुका है इस बात को। अच्छा। एक साल में आप भी समझ सकते हो कि ऑलमोस्ट सारे कंसोल सोल्ड आउट हो गए, अभी सिर्फ यूज ही है, अब इसका बॉडी बदल दो ये नया हो जाता है। हाँ, साफ सफाई करके वो नया करके बॉक्स में करके, मतलब धोखा देने वाली बात है वो तो। हाँ, मतलब okay. सबके अपने तरीके हैं काम करने के, बट जो चीज है मैं आपको बता रहा हूँ। ओके भैया, ओके। तो भैया ये Xbox One मेरे को स्लिम दिख रहा है, ये वाला ये Xbox One S है। S है, ओके। ये 500 GB वेरिएंट है। अच्छा जी, इसमें 1 TB भी आता है, दोनों का रेट मैं बता देता हूँ। अच्छा, 500 GB आपको 16,500 का पड़ेगा। अच्छा, एक रिमोट के साथ में। ओके ठीक है, और जो 1 TB है वो आपको 18,500 का पड़ेगा एक रिमोट के साथ में, फिर जो भी इसकी केबल्स आती है वो सब आपको इसके साथ मिलेगी। आप देख सकते हैं, जैसे मुझे कहते हैं कि भैया आप Xbox के ऊपर भी वीडियो बनाया करिए, तो ये Xbox आपको दिखाई दे रहा है पूरा प्रॉपर एकदम क्लीन है, ये लीजिए भैया। हाँ भैया, जैसे ये Xbox 360 है, इसके बारे में बताइए आप। ये Xbox 360 है, जेलब्रेक नहीं है ये भी। अच्छा, ये भी जेलब्रेक नहीं है? नहीं, जैसे कई होते हैं जटैक कर लेते हैं इसके अंदर गेम लोड करवाने के लिए, ये वाला जेलब्रेक नहीं है। अच्छा। तो मैं आपको दोनों के रेट बताता हूँ, विदाउट आप जेलब्रेक लेते हो आपको 9,000 का पड़ता है। अच्छा, एक रिमोट के साथ में और सारी केबल्स के साथ में। अच्छा, अगर आप इसको जटैक करवाते हो या जेलब्रेक करवाते हो आपको करीबन 12,500-13,000 का पड़ेगा। अच्छा, 500 GB में 500 GB गेम लोड करके। हाँ जी, तो ये उतने का आपको पड़ेगा। ओके जी, इस पर लेकिन वारंटी 2 महीने की है। 2 महीने की वारंटी। हाँ जी, ओके भैया। और भैया ये Xbox One, ये Xbox One है जो सबसे पहला मॉडल आया था। हाँ जी, ये देख सकते हैं गाइस, सबसे पहला मॉडल आया था जो Xbox One का, इसके बारे में बात करते हैं। मतलब डिस्क डिजिटल दोनों है, डिजिटल अभी आना स्टार्ट हुआ है, पहले नहीं आता था। अच्छा, ये 13,000 का, 13,000 का, 13,000 GB। हाँ जी, अच्छा, मतलब जो रेट PS3 का है ना वही Xbox One का है। अच्छा जी, अच्छा ये रेट का बता देता हूँ, ये वाले रेट फिक्स है। अच्छा भी, आप अगर Xbox लोगे, ये आपको ये नहीं की वीडियो पे अभी मैं बोल रहा हूँ 13, तो मैं आपको 14 का हो गया। अच्छा जी, ये आपको 13 में ही दूंगा, मतलब फिक्स प्राइस है इसके। हाँ, ओके, आप कभी भी ले लेना, 1S में और X में फिर भी बाई चांस ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, PS3 का भी फिक्स है, PS3 भी नीचे हो सकता है, उससे ऊपर नहीं जाएगा। अच्छा जी भैया, जो मैंने आपको रेट दिए हैं। ओके, तो गाइज आप देख सकते हैं, भैया ने बता दिया कि Xbox जो वन है उसका प्राइस फिक्स है, और PS3 का जो प्राइस बताया है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा बट नीचे ऊपर हो सा फर्क आएगा। अच्छा जी, PS4 में हाँ मेजर आ सकता है, क्योंकि वो डिमांड और सप्लाई का पूरा गेम है, क्योंकि जब अप्रैल में लॉकडाउन लगा था तो उस समय ना सारे कंसोल बहुत तेजी से बिके। ओके, तो PS4 स्लिम है, उसका रेट 21,000 सेकंड हैंड का पहुंच गया था। ओके ओके, तो उस समय अभी देख रहे हो नए वाले भी नहीं आ रहे हैं, तो लोगों को बहुत ज्यादा नीड थी, तो इसलिए वो हाई चला गया था। तो गाइस, अब भैया मेरे को जो ये PS5 है, PS5 कब तक आ सकता है आपकी शॉप पे, और क्या प्राइस रहने वाला है, कुछ आप बता सकते हैं? वैसे सर PS5 आता है, बट इतने कम यूनिट आते हैं कि मैं क्या उसका प्राइस बोलूं और क्या क्वांटिटी बोलूं।
मतलब आप मानोगे नहीं, बहुत ही ज्यादा कम यूनिट आते हैं। अच्छा, मतलब 4-5 यूनिट आते हैं, तो मेरे पास ऑलरेडी करीबन 10,000 कस्टमर्स हैं। अच्छा अच्छा, लोकल में है मेरे पास, लोकल में। हाँ, जो पहले ही प्री ऑर्डर करके बैठे हुए मेरे से, मतलब करीबन 6 सालों से जुड़े हुए। अच्छा जी, अच्छा जी। छोटे छोटे बच्चे भी बड़े होते हुए देखा है भाई, उनको ही हम नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा, वो लोग आता है तो 50,000 प्राइस होता है उसका, वो हम उनको उसी रेट पर दे देते हैं। अच्छा, उसके साथ में फिर जो भी वो अपनी एसेसरीज लेते हैं, कंट्रोलर है या गेम्स है, उसका एक्स्ट्रा चार्ज होता है। तो गाइज, आप एक बारी फिर भी आप PS5 के लिए भैया से डिटेल पूछ सकते हैं कि कब तक आएगा, मतलब आप कॉन्टेक्ट करके बार बार पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और ये आपको डिक्स दिखाई दे रही होगी PS5 की और PS4 की, और कंट्रोलर भी दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मैं दूसरा पार्ट लेकर आऊँगा, ये पहला पार्ट है तो दूसरा पार्ट लेकर आएंगे। तो अब हम बात करते हैं, पहले फ्रंट में मैं अब मैं बात करता हूँ कि भैया जैसे कोई आउट ऑफ दिल्ली और यहाँ से दिल्ली कोई कोरियर करवाना चाहे तो क्या क्या, मतलब क्या चार्जेस रहेगा एक्स्ट्रा? हाँ, जैसे हमारा अभी भी ऑल ओवर इंडिया सप्लाई होता है, ठीक है, अभी भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं। अच्छा जी। और वही है कि सप्लाई अगर होगी तो बिल्कुल आपको मिलेगा, और उसका प्रोसेस मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप कंसोल सेलेक्ट करते हो, फोटोग्राफ्स वगैरह भेज देते हैं आपके पास में, फिर आपसे हम बोलते हैं कि एक बार वीडियो कॉल करो, जिससे आप अश्योर कर लो कि आप हमारे थ्रू ही ले रहे हो। उसके बाद में जब आप उसको यस करते हो तो आपका कंसोल रेडी किया जाता है। रेडी होने के टाइम पे आपसे बोला जाता है कि अब आप पेमेंट ट्रांसफर करो। पेमेंट जो मोड होता है वो आप गूगल पे, पेटीएम या अकाउंट कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जल्दी मैं कैश ऑन डिलीवरी भी लेके आ रहा हूँ। अच्छा, कैश ऑन डिलीवरी भी आने वाली है, तो गाइज आप देख सकते हैं भैया कैश ऑन डिलीवरी भी लेकर आने वाले हैं जल्द ही, क्योंकि बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि भैया मैंने पैसे दे दिए, सामान मिला या नहीं मिला, तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए मेरी बात चल रही है। तो वो लोग कैश ऑन डिलीवरी के साथ में हम लोग सर्विस प्रोवाइड कराएंगे। अच्छा, उसमें बहुत माइनर सा 1-2% का एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, तो वो अगर होगा एप्लीकेबल तो मैं आपको बता दूंगा, और नहीं होगा तो मैं आपसे चार्ज नहीं करूँगा। दूसरा इसमें होता है कि शिपिंग का जो चार्जेस होते हैं उसका भी सेम कंडीशन है कि अगर आप, एक मेरी लिमिट है कि मैं 300 तक की शिपिंग खुद वेयर कर लेता हूँ। अच्छा, अगर उसे ऊपर जाता है तो फिर वो कस्टमर को देना होता है। कई बार हम ऑप्शन दे देते हैं, फिर बोलते हैं भैया शिपिंग नहीं दे पाएंगे, तो हम लोग हाफ हाफ में भी सेटल कर लेते हैं कि भी अगर 400 लग रहे हैं जस्ट पे 200 मैं पे कर देता हूँ। अच्छा, इसके बाद में हम आते हैं, ये तो हमारा शिपिंग का प्रोसेस हो गया, ऑल ओवर इंडिया करते हैं, अभी बाहर नहीं करते हम लोग इंडिया से। अगर आप आते हैं वारंटी में, जैसे मैंने आपको बोला वीडियो में कि वारंटी हम 2 महीने की या 3 महीने की प्रोवाइड कराते हैं कंसोल पे, उसका प्रोसेस आप ध्यान से समझ लीजिए। उसमें ये होता है कि आपको, मैंने अगर किसी प्रोडक्ट की 3 महीने की वारंटी दी है और आपको उसमें कोई इशू आ रहा है विदिन 3 मंथ, तो सबसे पहला ऑप्शन होता है कि आप उस सेट को हमारे पास भेज देते हैं, तो वहाँ से आपका कोरियर चार्जेस जो लगता है वो आप उसको वेयर करते हैं। उसके बाद में जब वो हमारे पास आता है तो हम उसको रिपेयर करते हैं। अगर वो रिपेयर नहीं होता है तो हम आपको दूसरा कंसोल देते हैं। अगर कंसोल नहीं होता है दूसरा हमारे पास अवेलेबल, तो हम आपको बोलते हैं कि आप उतना अमाउंट का कुछ और ले लो, उसमें हम आपको एडजस्ट कर देंगे। सपोज आप किसी ने PS3 भेजा, बोलता है भैया चलो PS4 दे दो, तो उतना अमाउंट जितने का आपने लिया है, मार्क माय वर्ड्स कि 13,000 का अगर आपने लिया तो पूरे 13,000 एडजस्ट करूंगा। ये नहीं कि मैं आपको बोलूंगा कि नहीं इसमें कटिंग करके लूंगा। अच्छा, या ऐसा कुछ होगा, ये हमारी वारंटी है। उसके बाद में जब अगर मान लो वो ठीक हो जाता है आपका प्रोडक्ट, तो हम आपको वापस भेजते हैं, तो इधर से साइड से शिपिंग का चार्ज हमारा होता है, हम आपसे कुछ क्लेम नहीं करते। तो आप ये समझ लो कि एक साइड से आपका चार्ज लगता है, एक साइड से मेरा लगता है। अच्छा, तो ये हमारा पूरा वारंटी का प्रोसेस है। और हाँ, अगर 3 महीने बाद जो भी वारंटी पीरियड मैं आपको दे रहा हूँ, 3 महीने होगा या जो भी होगा, उसके बाद अगर कोई इशू आता है तो भी आप हमारे पास रिपेयरिंग के लिए भेज सकते हो। उसका जो भी नॉर्मल कॉस्ट होगा वो हम आपसे चार्ज करेंगे, और फिर यहाँ से हम आपको भेज देंगे, और वो शिपिंग फिर यहाँ से हमारा हो जाता है। वहाँ से भेजेंगे तो उनका शिपिंग है, और यहाँ से आप भेजोगे तो आपका शिपिंग है। हाँ जी, हाँ जी। ओके, मतलब उनको एक साइड का शिपिंग भी करना पड़ेगा। अच्छा जी, और भैया मेरा एक क्वेश्चन ये भी है कि आप कोई, मतलब सोशल मीडिया हैंडल पे हमारी जो शॉप है ये वाली, इसका कोई पेज है? सबसे पहले तो सबसे बड़ी चीज है गूगल। अच्छा जी, अगर आप गूगल में जाके सर्च करोगे तो गुड़गांव में अगर आप रहते हो तो हम लोग टॉप पर आते हैं। अच्छा जी, इंडिया से भी आप सर्च करोगे तो हम आपको 3-5 नंबर पे मिली जाएंगे। अच्छा जी, हाँ। उसके अलावा फेसबुक पे हमारा पेज है, इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है, एक्स्ट्रो गेम के नाम से, XTRO GAME, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वैसे वो आपको सारे अपडेट्स वहाँ पर मिल जाएंगे आपको, और आप हमें फॉलो कर सकते हो, जो भी ऑफर्स वगैरह हमारी तरफ से आते हैं वो सब वहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। ओके भैया, तो गाइस कैसे लगी वीडियो? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। इतनी बढ़िया जो वीडियो ये आज हमने बनाई है,
तो आप शेयर कर देना अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ जिसको भी PS 3 ओन में लेना है और सीरीज एक्स और एस जो भी कंसोल लेना है वो ले सकता है। और जो मैं पार्ट 2 लेकर आने वाला हूँ जल्दी, ये आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा। और अगर आप थोड़ी लेट देख रहे हो तो आपको आई बटन पे भी पार्ट 2 मिल जाएगा। तो अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।